सो हाय गाइस, आज हम जाने वाले हैं मोनेस्ट्री मार्केट, जो कि दिल्ली की काफी फेमस और काफी एक्सपेंसिव मार्केट है, और जहाँ पे आज हम जाके सभी के सभी ब्रांडेड और सभी के सभी ट्रेंडिंग कलेक्शन भाई चेक आउट करने वाले हैं। तो आज इस मोनेस्ट्री मार्केट में बहुत ज्यादा धमाल और बहुत ज्यादा मस्ती होने वाली है, और साथ ही के साथ यहाँ का सभी कलेक्शन चेकआउट भी होने वाला है। बट एक सेकंड, अगर आपने लास्ट वाला व्लॉग नहीं देखा जिसमें हम लोग गए थे सरोजनी मार्केट, जहाँ पे भाई लिटरली इतना ज्यादा अमेजिंग कलेक्शन था जिसे देख के तो मेरी नजरें ही नहीं हट रही थी। और ये सरोजनी नगर मार्केट घूमते घूमते हमें यहाँ पे भैया भी दिखे, जो कि नाक में उंगली दे रहे थे। और अब हाय गाइस, सो रात में मैंने डिसाइड करा कि मुझे मोनेस्ट्री जाए हुए बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम हो गया, तो आज मोनेस्ट्री चलते हैं। एंड वैसे वी कैन अफोर्ड ऑटो, बट ज्यादा रास्ता दूर नहीं है, इसलिए सोचा पैदल ही चलते, और पैदल चलने से अच्छा तो और क्या ही है। बाय द वे, अभी मैं हूं कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पे, और यहां से आई थिंक 2 मिनट की दूरी पे है मोनेस्ट्री मार्केट। सो लेट्स गो टू मोनेस्ट्री मार्केट। तो बेसिकली ये मोनेस्ट्री मार्केट का मेन गेट, जो कि बहुत ज्यादा एवरेज है, जिसे देख के लग रहा है कि भाई मुझे नहीं लग रहा है कि इसके अंदर कुछ खास चीज होने वाली है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर है भाई काफी अच्छा कलेक्शन और काफी ब्रांडेड जैसी चीज है। बाय द वे, ये मोनेस्ट्री मार्केट की सबसे पहली शॉप, जो कि लिटरली मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि पूरी मार्केट की शॉप्स घूमने से अच्छा है कि आप पहली शॉप पे सबकी सब चीजें ले लो, क्योंकि यहाँ पे सभी की सभी चीज अवेलेबल हो जाती है। शॉप पर भाई सारी चीज अच्छी है। ये जैकेट तो इतनी प्यारी लग रही है, इसकी तो नजर भी नहीं हट रही है भाई, क्या मस्त माल है। ऑलराइट, सो ये ट्राई करते हैं, ये मुझे बहुत सही लगा। सो पर्सनली मुझे तो ये वाली जैकेट बहुत ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि इसमें हुडी अटैच है एंड इसका फैब्रिक तो उस समय, और भाई लुक्स भी इसके भाई मैटर करता है जैसा कि, तो इसके लुक्स भी काफी अमेजिंग है। अब जैकेट को प्रॉपर ट्राई करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि भाई दिल्ली में तो अभी तो इतनी ठंड पड़ नहीं रही है, तो इस जैकेट को जहां से लिया है वहीं लग देते हैं, और ये जादू बनने का तो कोई सेंस बनता ही नहीं है। ये जैकेट बहुत अच्छी लग रही है, इसको भी ट्राई करते हैं। सेकंड प्रोडक्ट जो मैं चेकआउट करो, ये ब्लैक वेलवेट जैकेट, जो कि लिटरली इतनी ज्यादा अच्छी लगी कि जिसे देख के तो मेरी नजर ही नहीं हट रही है। अब वैसे मैंने ऑलरेडी भाई ब्लैक आउटफिट ही कैरी कर रखा है, लेकिन ये ब्लैक जैकेट ट्राई करने के बाद तो कुछ अलग ही लुक आ रहा है। अब नीचे मैंने पहन रखे ब्लैक शूज एंड ब्लैक जींस, ब्लैक टी शर्ट एंड उसके ऊपर जैकेट, जिससे लुक्स तो इसका इतना ज्यादा अमेजिंग लग रहा है कि भाई अभी कोई लड़की गिरने वाली है। मार्केट में इतनी भीड़ है, लग रहा है किसी लड़की की नजर ना पड़ जाए मेरे से। मुझे ना तो ये वाली जैकेट सही लग रही है, मतलब क्या लुक्स आ रहा है। एडिडास के शूज भी पहन रखे मैंने, ब्लैक पूरा, मतलब पूरा आउटफिट ब्लैक ही है। देखो मैं चेक कराता हूँ, देखो एक बार, ये वाला सही लग रहा है यार। एंड इसी में ना एक और कलर है, मतलब ये काफी यूनिक है, एंड इसमें लाइन वाला डिजाइन भी है, और इसके प्राइस है 2150 रुपीज। एक चीज का और सजेशन दे सकता हूँ कि भाई मार्केट घूमने से अच्छा है ना एक ही शॉप पर आ जाना, क्योंकि सब पे एक ही प्राइस होते तो भाई घूमने का कोई फायदा नहीं है। सो इन पे आ जाना, काफी अच्छा कलेक्शन है, मतलब जैकेट है और ये वाली जैकेट, एंड ये जो मैंने ट्राई कर रखी है, देख ही रहे हो तुम्हारा भाई हैंडसम कितना लग रहा है, क्या देख रहा भाई टू हैंडसम। चलो पहली शॉप तो पूरी कवर हो गई, अब घूमते हैं पूरी मार्केट। अब पहली शॉप पर इतना अच्छा आउटफिट ट्राई करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई हमें शूज भी ट्राई करने चाहिए। तो ये मोनेस्ट्री मार्केट की शूज का कलेक्शन, जहाँ पे लिटरली काफी अच्छे अच्छे शूज मिलते हैं। यहाँ के शूज बड़े अच्छे होते हैं। अब वैसे मोनेस्ट्री मार्केट की शूज के कलेक्शन के बारे में बताऊं तो वो तो काफी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 से 4 शॉप है जहाँ पे काफी अच्छे अच्छे शूज मिलते हैं, जिनके प्राइस बहुत ही कम होते हैं। अब शूज की पहली शॉप पर ही मुझे यहाँ पे नाइकी जॉर्डन के शूज दिखे हैं, और जिसके प्राइस के बारे में अगर बताऊं तो इनके प्राइस है 1050 रुपीज। अब ये वाला नाइकी जॉर्डन का शूज है भाई ग्रीन कलर में अवेलेबल है, और इसी के साथ यहाँ पे ब्लैक कलर भी है, ब्राउन कलर भी, और ग्रे कलर भी है। बाकी अगर क्वालिटी की बात बताऊं तो क्वालिटी इसकी भाई काफी ज्यादा जेन्युइन है, और लेकिन ये फर्स्ट कॉपी नहीं है, ये सेकंड कॉपी है, जो कि भाई काफी सिमिलर सा लगता है, तो ठीक ठाक ही है। ये एडिडास का शूज यार बहुत अच्छा लग रहा है, बट ये फर्स्ट कॉपी नहीं है, फर्स्ट कॉपी तो मैंने पहन रखे ये वाले। यहाँ के शूज यार मेरे को तो बहुत ज्यादा सही लग रहा है, मतलब ए टू जेड शूज है, लेकिन ये जो एडिडास का ना ये कॉपी नहीं है, मतलब कॉपी है सॉरी, लेकिन फर्स्ट कॉपी नहीं है। फर्स्ट कॉपी ये जो मैंने पहनी, मैं दिखाता हूं एक मिनट, ये वाली फर्स्ट कॉपी है। अब एक चीज और, कि मैंने कहा था कि फर्स्ट शॉप पे शॉपिंग कर लेना, क्योंकि सभी शॉप पे एक ही सामान मिलता है, यहाँ पे भी वही सामान है। यहाँ पे और शूज दिखे हैं मुझे, यहाँ के शूज चेकआउट करते हैं। यहाँ पे जॉर्डन के ये वाले शूज, ये तो मैंने अभी दिखाया था, ये काफी सही लग रहा है यार। भाई जी ये कितने के? भाई जी ये कितने के? 12 50 है, इसके बाद 1000 रुपए आएगा सर। 1000 रुपए का देगा, यहाँ पे 1000 रुपए, वहाँ पे 1000 रुपए 50 के थे ना, हाँ महंगा था, वो कम भी नहीं कर रहे थे। बट ये ठीक है, ब्लैक भी है इसमें, मैं लेके जाऊँ यार अभी तो नहीं, बट लेके जाऊंगा। विंटर का ना कलेक्शन तो यार बहुत अच्छा आया हुआ है वैसे, मैं सही में बता रहा हूँ, मेरे को तो बहुत सही लगा, क्योंकि काफी यूनिक यूनिक चीजें हैं इनके पास, ऐसे स्वेटर हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ये तो लड़कियों के लिए
भाई इस बार गर्ल्स का भी कलेक्शन है यहाँ पे, पहले गर्ल्स का कलेक्शन नहीं था मोनेस्टी मार्केट में। यहाँ पे बहुत सारी शॉप में ना ऐसी हुडीज भी मिल रही है, सॉरी जैकेट, एक बार इसको ट्राई करते हैं। अभी शॉप पर ना मुझे प्रिंटेड हुडी दिखी जिसका प्रिंट भाई काफी अच्छा है क्योंकि इसका प्रिंट है पफ वाला, ट्राई करके देखते हैं। सो अगर आप ये वाली हुडी को भाई पूरे विंटर सीजन पहनते हो तो भाई इसका प्रिंट जाने वाला नहीं है, जो कि काफी अच्छी बात है। अब हुडी ट्राई करने के बाद ये वाली हुडी तो बहुत ज्यादा टाइट आ रही है और इसका साइज है भाई एल साइज, लेकिन मुझे भाई एल साइज ही आता है, लेकिन ये वाला एल साइज यहाँ पे बहुत ज्यादा छोटा आ रहा है। सो भैया ने तुरंत ही दूसरा साइज निकाल के दे दिया जो कि है एक्सेल साइज, लेकिन भाई ये वाला साइज भी ट्राई करने के बाद मुझे तो बहुत ज्यादा छोटा सा लग रहा है। ये वाली हुडी का साइज तो आ गया। ये जैकेट कितने की? 2250। 2250 ये वाली जैकेट यार मुझे सही लगी, 2250 रुपीस की। ये बार निकालियो भाई, इसकी प्राइस बोलियो सर। नहीं नहीं इसके हैं, ये बार निकालियो यार, ये अच्छा लग रहा है, ट्राई करके देखते हैं इसे यार। ये क्या लग रहा है यार, जबरदस्त। और भी चीज़ है यहाँ पे, स्वेटर है, ये स्वेटर है, ये भी अच्छा है। और इस उधर यार ये जैकेट और अच्छी लग रही है यार, ये वाली देखियो, ये भी अच्छी लग रही है। और भी टाइप्स की जैकेट है, मतलब डिज़ाइन काफ़ी अलग अलग है, देख रहे हो तुम लोग कितने जबरदस्त डिज़ाइन है। क्या तो लड़कियां देखने लग रहा है यहाँ पे, जैकेट देखना भाई कितनी बढ़िया है भाई, जैकेट देख वो जैकेट। अभी तो कुछ और देख रहा था, तेरी नज़र कहाँ थी? ब्रो इसके प्राइस क्या होंगे? 105। ग्रे अच्छा लग रहा है, ये वाला दिखाना, ग्रे का, ग्रे वाला कलर अच्छा लग रहा है यार, ये अच्छा लग रहा है। ओके और प्रिंट क्या है, पफ है? हाँ जी पफ प्रिंट है। ओके पफ वाला प्रिंट है यार, ये काफी अच्छा लग रहा है, ट्राई कर सकते हो? थैंक यू, ट्राई करके देखते हैं। अब लास्ट शॉप पर जो मैंने आपको हुडी दिखाई थी प्रिंटेड वाली, वो तो यहाँ पे ठीक ठाक लग ही रही थी, लेकिन ये वाली जो हुडी है ये वाली और भी अच्छी लग रही है। अब लिटरली अगर बताऊँ तो ये वाली हुडी का ना प्रिंट और ज्यादा अमेजिंग है, क्योंकि यहाँ पे पूरे में प्रिंट बना है, और ये टॉम एंड जेरी वाला प्रिंट तो और अमेजिंग लग रहा है, और ये वाला भी प्रिंट है पफ वाला जो कि काफी अच्छा होता है। वैसे अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ एल साइज, लेकिन यहाँ पे एल साइज आ ही नहीं रहा है। वैसे मेरे को भाई ऑनलाइन अगर मैं शॉपिंग करता हूँ तो मेरे को एल साइज आ जाता है, लेकिन भाई यहाँ पे मोनेस्टी मार्केट में एल साइज आ ही नहीं रहा है। इस शो पर तो और भी जैकेट्स हैं, अलग अलग टाइप के। अब ये वाला जो मैं ट्राई कर रहा हूँ ये एक्सेल साइज, क्योंकि एल साइज तो आया नहीं है, लेकिन ये एक्सेल साइज भी पहनने के बाद भाई मुझे आ ही नहीं रहा है, ये बहुत ज्यादा टाइट आ रहा है। सो अगर आप लोग यहाँ से कोई सा भी प्रोडक्ट लेते हो तो भाई वो चेक करके लेना, क्योंकि अगर आपने चेक करके नहीं लिया तो आपका भाई पोपट कटेगा। साइजेस तो ठीक है, ये एक्सेल है फिर भी तो टाइट आ रहा है। इसका मतलब तो कुछ समझा? नहीं 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 मोटा नहीं है भाई, ऑनलाइन मुझे पता है एम साइज आ जाता है, नहीं आ रहा। ये वाला प्रिंट यार बहुत सही लग रहा है अंकल पे हुडी का, ये ब्राउन कलर में, कलर सब है ना वैसे? कलर सब है, रेड। ओके हाँ कलर तो सारे ही है वैसे, ये रेड वाला, ये रेड वाला काफी सही लग रहा है, प्रिंट उस समय यार। वैसे पूरी मार्केट में घूमते घूमते ना एक चीज मुझे दिखी कि ये वाली हुडी ना किसी पे भी नहीं है, अभी अंकल ने मुझे कुछ बताया, मैंने देखा भी है, मतलब किसी भी शॉप पे नहीं है, मिल गया था इनाम। वैसे है हुडी काफी अच्छी है, साइज भी अच्छी है, पफ तो और ही उस समय, मतलब लिटरली टॉम एंड जेरी वाला, ये भी एक जेरी है। अरे यार ये क्या कार्गो पैंट है? लकी व्हाट इज दिस मैन? बलून कार्गो, प्रेस नहीं करी गई है क्या, वैसे मुचुड़ मुचुड़ गई है। और भी सारी कार्गो पैंट है भाई, ऐसी कार्गो पैंट तो मैं कभी ना लूं। कुछ ऐसे स्वेटर है, कुछ हुडीज है, एंड ये सब कलेक्शन है, एंड ब्रांड है फ्रेंच, क्या क्लिप बेकार है। दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड। तो अभी नेक्स्ट शॉप पर जहाँ पे लास्ट टाइम भी आया था, यहाँ पे ब्लेजर है, कोटी है, ऐसी ऐसी कोटी, बट इसका ट्रेंड अभी इतना यहाँ पे नहीं चल रहा। यहाँ पे ब्राउन कलर की है, ब्लैक कलर की कार्गो पैंट भी है, जीन्स भी है, सब चीज़ है। कैसी लग रही है? कौन? अबे ब्लेजर भाई, ब्लेजर अच्छे हैं, कुछ डार्क कलर भैया के पास लास्ट ईयर से, आपको ट्राई करते हैं, मतलब लास्ट ईयर ही ट्राई कर रहा था, एक साल पहले आया था सीधा, एक साल। इनने जो वीडियो बनाई थी ना भाई, फोटो खिंचवा रहा था भाई, पोर्ट्रेट में, मतलब लॉन्ग फोटो भाई, क्या भाई, मस्त लग रहा है सही में देखने में यार, ये तो बहुत सही लग रहा है, 2500 का तो ठीक है यार, और कितना कम चाहिए था? और बाकी चेक में इस टाइम में सारे चेक में, ये तो लास्ट ईयर भी था ना, पॉकेट वाले में भी आए हैं, मुझे तो यही ठीक लग रहा है, मैं तो कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ।
यार मुझे तो इस शॉप पर इतने ब्लेजर अच्छे लगते हैं ना, मतलब लास्ट ईयर भी इतने अच्छे लगे थे। शॉप तो क्या ही बताना, छोटी सी मार्केट है, इतना घूमते फिरते आ जाना बिल्कुल लास्ट में है। बाकी ये वाला भी ब्लेजर ट्राई कर रहा था भाई, स्मार्ट ही लग रहा था, स्मार्ट ही। पूरी अच्छे अच्छे कोट छोड़ के ना इसे, अब ये चमकीले कुर्ते और कोट पसंद आ रहे हैं। अबे चेक कर रहा हूँ भाई, क्या दिक्कत है? कर ले सब चीज़। वैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ देखो, इसलिए एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भाई आ गए अपने असली रूप में। ये ठीक लग रहा है देर, तू ऐसी ठीक है? ऐसे अच्छा लग रहा है ना, वैसे तो चूतिया लग रहा था, अभी भी लग रहा है वैसे, बट ठीक है। साथ में तू भी लग रहा है। मैं तो स्मार्ट हूँ। तू चूतिया है यार। ये स्वेटर सही लग रहा है यार, ये जैकेट है यार, ये स्वेट शर्ट है। तौलिया क्यों लग रहा है? तौलिया नहीं है वो, हुडी है, वो न्यू टाइप की हुडी है। पूरी मोनेस्टी में ना इस शॉप पर ना स्वेटर है, और ये शॉप मुझे सही लगी क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अलग अलग टाइप के स्वेटर है। ये क्रीम मतलब सभी कलर है, ग्रीन है, क्रीम है, ब्लू है और वाइट भी है, और एक ब्लैक कलर, एक ये वाला, एक वाइट है ये वाला। भाई ये खोल के दिखाओगे एक बार? तुम लोग बोलते हो कि यार पफर जैकेट दिखाओ, तो यहाँ पे एक पफर जैकेट भी है। मतलब इसके क्या प्राइस है भैया? लिखा है अच्छा 1800 रुपये। OMG भाई, इसमें तो क्यों दर्द सा हो रहा है सुनिए। 1800 रुपये ठीक है यार, अच्छी है, 1000 से तो कम की है।